दिल्ली एनसीआर के बड़े इलेक्ट्रॉनिक व्यापारियों की एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग सेंट्रल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मर्चेंट एसोसिएशन यानी कि क्रेमा के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से जुड़े मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। आपको बता दें, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर काम करके क्रेमा द्वारा देश का काफ़ी सारा पैसा बचाया जाता है और सरकार को अच्छा रेवेन्यू भी मिलता है। हमने संकल्प लिया कि हम मेक इन इंडिया की जब ये उड़ान मोदी जी ने भरी, क्योंकि हम चाइना के सताए हुए थे, तो हमने उस आवाज पर अपने यूनिट्स को हमने स्टार्ट किया। बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से शुरू किया, लेकिन मेक इन इंडिया की उस उड़ान में हमारे नौजवानों ने हमें साथ दिया। आज मेक इन इंडिया की उन इकाइयों ने हजारों हजारों लोगों को रोजगार दिया। तो हम सब ने, हमारी टीम ने ये सोचा कि हम एंटायर इंडिया में घूमें और उन इकाइयों को ढूंढें जिन्होंने मेक इन इंडिया के सपने को सही मायने में साकार किया है, और ये इकाइयां आप सबके सामने हैं। इन इकाइयों को विजिट कीजिए सर, आपको मजा आ जाएगा। कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस इन्होंने बनाए हैं, लेकिन वहां जाके मीडिया के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि वहां पे काफी अभी दिक्कतें हैं, क्योंकि सरकार से जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं और जो प्रैक्टिकल जो हमें मिल रहा है उतना नहीं मिल रहा। अगर एक यूनिट आज 50,000 स्क्वायर फीट को मेंटेन कर रहा है, अगर उसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे तो वो 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया के अंदर काम करेगा। हमारी भारत का जो रिवेन्यू है उसको बाहर नहीं जाने देंगे, हम मैक्सिमम यहाँ पे प्रोडक्शन करके मेक इन इंडिया को कामयाब करेंगे। हम लाखों लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए आगे बढ़ेंगे, हम देहात की तरफ बढ़ेंगे, हम उन छोटे शहरों की तरफ बढ़ेंगे जहां पे लोगों को रोजगार मिल सके उनके डोर स्टेप पे, और ऐसी ऐसी इकाइयों को हम प्रोत्साहित करेंगे ताकि इनको प्रोत्साहन देके हम एक लय के अंदर सरकार के सामने अपनी बात कह सके। इलेक्ट्रॉनिक निकेतन जो कि दिल्ली में ही है, हम वहां तक अपनी आवाज को लेके जाएंगे कि आप हमें ये फैसिलिटीज दीजिए, हमें ये सब्सिडीज दीजिए, हमें ये कुछ दीजिए ताकि हम इस प्रोडक्शन को इतना करें। विद कमिटमेंट हम सरकार के साथ बात करने जाएंगे। आप जो इकाइयों को देख रहे हैं, इकाइयों में क्या होता है, सबसे पहले होता है कि कोऑर्डिनेशन। जब कोऑर्डिनेशन, जब एक मैं हूं ना इस शब्द में बहुत ताकत है, और क्रेमा एक वो ताकत है कि जो इन इकाइयों को एक तरह से पूरी तरह से हम स्तंभ की तरह खड़े हैं कि अब बताइए किस चीज की जरूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी मार पड़ती है अफसरशाही की, लेकिन जब एकता में बल होता है, जब सारे इकट्ठे होते हैं, तो अफसरशाही से भी बात की जाती है। इन इकाइयों ने जब छोटा पौधा लगाया तो छोटा पौधा मुरझाने की तरफ जाता है, लेकिन उस वक्त जब ताकत दी जाती है तो वो धीरे धीरे पेड़ बनता है और बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। तो आज ये बड़े पेड़ जो बने हैं उसके पीछे हम सबकी एकता है।